नमस्कार बच्चों, ये आपकी सामाजिक विज्ञान का कार्य पत्रक वर्कशीट नंबर 14 है, 7 अगस्त की, फॉर 9th क्लास स्टूडेंट्स। इसमें हम पढ़ेंगे भारत की का भौतिक स्वरूप, प्रायद्वीपीय पठार। हम अभी जो ये हमने पढ़ना शुरू किया था आपको एक सामाजिक विज्ञान में, भूगोल के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, तो हमने स्टार्ट किया था मैप्स के बारे में, मानचित्रों के बारे में, अलग अलग टाइप के मानचित्र के बारे में पढ़ा था, ग्लोब के बारे में पढ़ा था। फिर हम भारत के भौतिक संरचना में हमने पहले हिमालय के बारे में पढ़ना शुरू किया, हिमालय की संरचना के बारे में पढ़ा, फिर उत्तरी में, और फिर हम उत्तरी मैदान के बारे में हमने पढ़ा। अब आज हम पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपी पठार। प्रायद्वीप पठार क्या है? एक तो जब हम पढ़ते हैं और वो सारा सिलसिला हमारे पास कंटिन्यू होना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए कि अभी तक हमने जो भी वर्कशीट पढ़ी उनमें क्या पढ़ा। अगर क्योंकि एक वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जब हमें पिछला अगर वर्कशीट पता रहेगा, याद रहेगी, तो हम आगे हमें आसानी रहेगी। और ये उन्हीं का थोड़ा सा डिटेल में, जब हमें शुरू में बताया था हिमालय के बारे में, जब समझाया था और हिमालय के अलग अलग सेक्शंस के बारे में बताया था, तो उसमें सारी चीज़ों का हल्का जिक्र भी हुआ था, चर्चा हुई थी। अब इसमें थोड़ा सा, जैसे कल उत्तरी मैदान के बारे में डिटेल में परसों वाले वर्कशीट में हुआ था, जो आपकी 5 तारीख की वर्कशीट थी, और इसमें अब बात हो रही है प्रायद्वीपी पठार के बारे में। प्रायद्वीपी पठार होते क्या है? यह मेज की आकृति वाला स्थल होते हैं, जैसे मेज की आकृति वैसे उसी आकृति के स्थल होते हैं, जो पुराने रौदार, दानेदार, अग्रे तथा रूपांतरित शैलों से बने होते हैं। जो पुराने रौदार या दानेदार या अग्रे जो पहाड़ होते हैं, उनसे ये बने होते हैं। यह धरती के प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है, पर ये धरती का वो हिस्सा होता है प्रायद्वीपीय पठार, जो सबसे पुराना हिस्सा है, जहाँ चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ी मिलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो घाटी होती है चौड़ी होती हैं और छिछलेदार होती हैं, तथा पठार गोल होते हैं। खनिज पदार्थ जैसे कोयला, वॉक्साइड आदि की प्रचुरता, जिनका काफी औद्योगिक महत्व है। इनमें क्या होता है, खनिज पदार्थ बहुत होते हैं, जैसे कोयला है, वॉक्साइड है, आज प्रचुर मात्रा में यहाँ पाए जाते हैं ऐसी जगहों में, और वो हमारा इनका इन ऐसे इलाका औद्योगिक महत्व बहुत ज्यादा है। अब इनको दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। क है उच्च मध्य उच्च भूमि, दूसरा है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, अब जो पहला हिस्सा है मध्य उच्च भूमि, नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है, और अधिकांश भाग मालवा के पठार पर फैला है। ये अधिकांश भाग कहाँ फैला हुआ है? मालवा के पठार पर फैला हुआ है, जो उच्च मध्य उच्च भूमि की बात हो रही है। और यह पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण हो रहा हिस्सा, जैसे हमारा हमने वो देखा था उत्तरी मैदान है। उत्तरी मैदान में क्या है, हमारे पश्चिम भाग में उत्तरी मैदान चौड़ा है, और जैसे जैसे हम पूरब को बढ़ते हैं तो उत्तरी मैदान भी पतला होता जाता है, वैसे ही जो ये हमारे मध्य उच्च भूमि है प्रायद्वीप पठारों की, वो भी पश्चिम में ये चौड़े हैं और पश्चिम पूरब की तरफ इनकी चौड़ाई कम होती जाती है। पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है, जो इनका पूर्वी विस्तार है वो मध्य उच्च भूमि का। ये क्या है, पूर्व में जैसे बुंदेलखंड है और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। छोटा नागपुर का पठार दर्शाता है, और जैसे बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, छोटा नागपुर का पठार है, आदि इसके पूर्वी हिस्से हैं जो वहां जाके संकीर्ण हो जाते हैं। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां क्या है, चंबल है, बेताब है, कीन है, दामोदर आदि है। तो ये था आपका मध्य उच्च भूमि, जो कहाँ है, छोटा नागपुर के पठार हैं, बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, और यहाँ अधिकांश जो नदियाँ बहती हैं, चंबल नदी है और बेताब नदी है, केन नदी है, दामोदर आदि नदी है। अब दूसरा पार्ट है बच्चों इसका, दक्कन का पठार। दूसरा है दक्कन का पठार, पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व में
ओर कम ढाल वाला था। ये दक्कन का पठार, जैसे हम अभी मध्य उच्च भूमि कह रहे थे, ये पठार क्या थे, इनका भी क्या था कि पश्चिम में ये चौड़े थे और पूरब की तरफ बढ़ते बढ़ते ये संकीर्ण होते चले गए। और ये दक्कन के जो पठार हैं ये क्या है, पश्चिम में काफी ऊंचे हैं और पूरब में जैसे जैसे जाता है तो इनका ढाल कम हो जाता है। यहाँ पाई जाने वाली काली मिट्टी, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है, ज्वालामुखी निक्षेप से बना है। अब ये जो एरिया है ज्यादातर किससे बना है, ज्वालामुखी के निक्षेप से। यहाँ ज्वालामुखी फटने के कारण ये इलाके बने हुए हैं और यहाँ की मिट्टी क्या है, काली है, और इसकी वजह से यहाँ कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। ये काफी उपयुक्त है कपास की खेती के लिए। कौन सी, दक्कन के पठार, जो क्या है पश्चिम में काफी ऊंचे हैं और जैसे जैसे पूर्व में बढ़ते हैं इनका ढाल कम हो जाता है, और पश्चिम में इनका ढाल तीखा है। नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित त्रिभुजाकार स्थिति, जिसका आधार उत्तर की ओर सतपुड़ा की श्रेणी में और पश्चिम सिरे में पूर्व घाटी में, पूर्वी सिरे के पश्चिम घाट में स्थित है। ये कहाँ है, दक्षिण में सिरे, नर्मदा के दक्षिण में स्थित है। और जो हमारे मध्य पठार थे वो नर्मदा के उत्तर में थे, मध्य उच्च पठार थे नर्मदा के उत्तर में, नर्मदा नदी के उत्तर में जो है मध्य उच्च पठार है, और जो दक्कन के पठार हैं वो कहाँ है, उसके दक्षिण में, नर्मदा के दक्षिण में है। और ये क्या है, त्रिभुजाकार बने हैं और सतपुड़ा की श्रेणी और पश्चिमी सिरे में पूर्वी घाट, और पूर्वी सिरे में पश्चिमी घाट घाट स्थित है। पूर्वी सिरे पर पश्चिमी घाट स्थित है और सतपुड़ा और पश्चिमी सिरे में पूर्वी घाट स्थित है। पूर्वी घाट क्या है, औसत ऊंचाई इसकी पूर्वी घाट की कितनी है, 600 मीटर, और विस्तार महानदी घाटी के दक्षिण से नीलगिरी तक है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां गोदावरी कृष्णा कावेरी के कटाव के कारण विस्तार अनियमित है। इनका विस्तार क्या अनियमित है, क्योंकि इनका कटाव गोदावरी कृष्णा कावेरी आज से इनका कटाव होता रहता है। ये नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं, तथा जो ये गोदावरी कृष्णा कावेरी और आदि नदियां हैं ये बंगाली खाड़ी में गिरने से पहले क्या बनाती हैं, उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी 1501 मीटर ऊंचा है, और उड्डयन मंगलम महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है यहाँ का, पूर्वी घाटी का, दक्कन पठार का। और पश्चिमी घाटी में क्या है कि पूर्वी घाट के पश्चिम में, पूर्वी घाट के अपेक्षा ये ऊंचे स्तर है, और ये जो पश्चिमी घाट है ये पूर्वी पूर्वी घाट से ऊंचे हैं। अब वो उनका औसत ऊंचाई कितनी है, 900, जबकि पूर्वी जो घाट थे उनकी ऊंचाई कितनी थी, 600 मीटर से 1600 मीटर है। और पश्चिमी घाट की नदियां नर्मदा तापी शरावती अरब सागर में गिरते हैं। अब पश्चिमी घाट की नदियां सारी अरब, क्योंकि पश्चिम भारत के पश्चिम में क्या, अरब सागर है, तो ये तापी नदी है, नर्मदा नदी है, अरब सागर में गिरते हैं, और ये पहले एस्चुरी बनाती है, ये उससे पहले क्या बनते हैं, एस्चुरी बनते हैं। शरावती नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात स्थित है। वर्षा होते ही पश्चिमी घाट में पर्वती पश्चिमी घाट में पर्वती सर्वोच्च शिखर वर्षा होती है स्थित है। पश्चिमी घाट में जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम है अनाई मुंडी, जो 2695 मीटर है। तो ये अपेक्षाकृत पूर्वी घाट से ये ज्यादा ऊंचे हैं। और जो पूर्वी घाट का जो वो सबसे ऊंचा पर्वत था, पर्वत शिखर था, वो था महेंद्रगिरी 1501 मीटर, और जो पश्चिमी का है ये है अनाई मुनि जो है 2695। और जो ये डे है दक्कन के पठार, ये बनते हैं बने हैं ज्वालामुखी से, इनकी मिट्टी काली है। और जो मध्य ऊंची है, ये मध्य उच्च भूमि नर्मदा के उत्तर में है और दक्कन के पठार है नर्मदा के दक्षिण में। और ये मध्य जो हमारे उच्च भूमि है ये भी पश्चिम में चौड़ी है और पूर्व में जाके सक्रिय हो जाते हैं, और इनमें जो जो बुंदेलखंड है, बघेल का खंड है, छोटा नागपुर के पठार आते हैं। तो ये था बच्चों आपका प्रायद्वीपीय पठारों के बारे में, और इसका इसमें कुछ वो हैं प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर मैंने इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करोगे तो इसका आपको इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, और वहाँ पर भी मैं आपको वहाँ पर वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा, इसी वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ।
बच्चों ये है वो सब प्रश्नों के वो देखने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा वो कर लेते हैं कि ये हमने देखा था हिमालय के बारे में। हिमालय की जो बताया था कि 2400 मीटर यहाँ पर सिंधु नदी है, सिंधु नदी से लेके ब्रह्मपुत्र तक इसकी जो लंबाई है 2400 मीटर है, और जो हिमालय की चौड़ाई है वो करीब 400 किलोमीटर है। 2400 किलोमीटर है, अगर मीटर मैंने बोला हो तो वो किलोमीटर है, और जो ये इसकी चौड़ाई है 400 किलोमीटर है। इसके अलग अलग जो उत्तरी भाग में है बड़े ऊंचे ऊंचे 6,000 मीटर ऊंचे पहाड़ है यहाँ पे, और इसको उत्तरी हिमालय हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। मध्य हिमालय हिमाचल या बोलते हैं उसको, वहाँ पे करीब 4,700 4,700 मीटर तक ऊंचे पहाड़ है, और उसके बाद बढ़ती है हमारे शिवालिक रेंज और जो एकदम दक्षिण में है उसके हिमालय की। ये इस तरीके से हम इसको कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा 1500 मीटर ऊंचे तक पहाड़ है। शिवालिक के बाद जो शिवालिक और उसके बीच का इलाका है मध्य हिमालय का, वहाँ वो उसको बोलते हैं दून घाटी, और उसके बाद हमारा उत्तरी जो वो है मैदान वो इलाका ये पड़ता है। इसको भी चार हिस्सों में बांटा था, पहले था पंजाब हिमालय, हाँ हिमालय को बांटा था चार में, इसमें पंजाब हिमालय, कुमाऊँ हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, हिमालय को चार हिस्सों में बांटा गया था। तो ये हमने पिछले जो वर्षीय था उनमें पढ़ा, उसके बाद हमने जो पिछड़ा हुआ वो था उसमें पढ़ा था उत्तरी मैदान के बारे में। उत्तरी मैदान में भी हमने इसको तीन हिस्सों में बांटा था उत्तरी मैदान को, तो ये जो सिंधु नदी के आसपास का मैदान था तो ये इसका पंजाब पंजाब मैदान पंजाब का मैदान था ये। उसके बाद था जो गंगा के आसपास था गंगा मैदान था, और ये था पूर्वी मैदान जो ब्रह्मपुत्र के आसपास था, तो ये था उसका। और यहाँ पर जो चित्र दिखाया गया है, मैं आपको वो प्रश्न उत्तर शुरू करने से पहले बता देता हूँ, ये हिमालय का पहाड़ दिखाया गया है, और ये जो उत्तरी हिस्सा है ये इसका हिमालय का नॉर्थन पार्ट है। हिमालय के बारे में अगर हम सोचेंगे कि जब हम केवल हिमालय की बात करते हैं तो ये हिमालय का उत्तरी हिस्से में जो है ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं बहुत, उनकी 600 मीटर हाइट है, करीब हाइट है 6,000 मीटर करीब, 600 नहीं 6,000 मीटर। और जैसे ही हम उससे दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, इधर को बढ़ते हैं तो वो घटती जाती है, जो मध्य पार्ट है हिमालय का, मध्य हिमालय जिसको बोलते हैं, उसमें क्या है करीब 4,700 मीटर ऊंचे तक पहाड़ है। और जब हमारा एकदम दक्षिण में आ जाते हैं जैसे शिवालिक रेंज भी बोलते हैं, वहाँ पर हमारे करीब 1500 मीटर ऊंचे तक पहाड़ हैं। उसके बाद जब हिमालय के एकदम दक्षिण में और इंडिया के नॉर्थ में उत्तरी मैदान पड़ते हैं, वो यहाँ हमारे सिंधु घाटी से लेके यहाँ असम तक फैला होते हैं, उनको भी यहाँ सिंधु और वो नदियों के द्वारा जो जलोढ़ लाया गया है उसी से वो मैदान बने होते हैं। तो वो मैदान भी हमारे कितने हैं 2400 किलोमीटर लंबे हैं और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है वो मैदान भी। वो मैदान भी हमारे पश्चिम में काफी चौड़े हैं, और जैसे जैसे पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो संकरे होते जाते हैं। तो ये था हमने पढ़ा था मैदानों के बारे में। हिमालय को हमने चार हिस्सों में बांटा था, पंजाब हिमालय, कुमाऊँ हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, और इन मैदानों को जो उत्तरी मैदान है उसको भी तीन भागों में बांटा था, एक था पंजाब का मैदान, दूसरा था गंगा का मैदान, तीसरा था असम का मैदान या ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब हमने जो आगे बातें हम अभी जो पढ़ रहे थे उसमें हमने जो प्रायद्वीपीय पठार पढ़े, तो दो टाइप के प्रायद्वीपीय पठारों में हमने उनको बांटा था, मध्य उच्च प्रायद्वीप पठार, और हमने पढ़े थे दूसरे जो पठार पढ़े थे, तो वो थे ये था जो मध्य है, ये नर्मदा नदी आपको दिखाई दे रही है इसके उत्तर में है मध्य उच्च पठार, और जो दूसरे पठार हमने पढ़े उसको मैं आगे अगले, ये डेकन जो मैं कह रहा था जो डेकन के पठार और उसके बारे में हम पढ़ रहे थे प्रायद्वीप पठार डेकन के, वो ये वाला इलाका, ये जो साउथ में है ये भी पहाड़ है, वहाँ भी साउथ में भी हमारे पहाड़ी इलाका बहुत है, ये हिल है तो ये पहाड़ उठे हुए हैं, ये हमारे ईस्टर्न पार्ट है, ये वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ भी हिल है साउथ में, और ये है जो ज्वालामुखी से बने हैं जिनके बारे में हम बात करें नर्मदा के दक्षिण में, और ये क्या है जब ये साइड में ये जान की हाइट ज़्यादा है और इस साइड जो पहाड़ है इनकी हाइट कम है, और ये करीब मतलब 15-1500 मीटर करीब ऊंचे हैं यहाँ वाले,
और ये करीब 2,500 मीटर करीब हाइट है जो इस साइड के पहाड़ है, पूर्वी पहाड़ जो है इस डेकन प्लाटू के, प्रायद्वीप के, तो ये ज्यादा हाइट रखते ये है। तो ये था इसका। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सा भारतीय भूभाग ज्वालामुखी निक्षेप से बना है। तो जो ये जो एरिया है, ये दिस पार्ट ऑफ ये भारतीय प्रायद्वीप का ये वाला हिस्सा क्या बना है? ज्वालामुखी। तो इसको क्या बोलते हैं? डेकन ट्रैप। भारतीय भूभाग ज्वालामुखी निक्षेपण से बना है, ये है डेकन ट्रैप। यहाँ पे लिखा है डेकन प्लेटू या डेकन ट्रैप इसको बोलते हैं, ये ज्वालामुखी निक्षेपण से बना है। आगे है बच्चों कि ये है, ये दिखा रखा है, ये है, ये लिखा है डेकन ट्रैप नंबर क्या है इसमें, डेकन ट्रैप नंबर 2। हाँ नंबर 2 ये डेकन ट्रैप है जो अभी बता रहा था। यहाँ सारे पहाड़ है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, और नंबर 1 है सेंट्रल हाईलैंड, ये है जो मैं बता रहा था नर्मदा नदी के उत्तर में है, इसको बोलते हैं सेंट्रल, मध्य उच्च भूमि बोलते हैं इसको, या सेंट्रल हाईलैंड। और ये है छोटा नागपुर, ये इसके पश्चिम में है, उसी का पार्ट है ये सेंट्रल हाईलैंड का, जो छोटा नागपुर है और बुंदेलखंड है और रोहिलखंड, ये जो खंड है ये सारे इसके पार्ट हैं, और ये छोटे होते जाते हैं जब पूरब में बढ़ते हैं और पश्चिम में ऊंचे हैं। अब है मध्य उच्च भूमि में बहने वाली किन्हीं दो नदियों का नाम लिखे। अब इस यहाँ पर जो दो नदियां बनती बहती हैं इस भूमि में, उसका नाम लिखना है। तो वो क्या है? चंबल, बेताब, केन, दामोदर, ये बताए थे। चंबल नदी, बेताब नदी, केन नदी, दामोदर नदियां आदि मध्य उच्च भूमि में सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं उसको, उसमें बहते हैं। अब है बच्चों अगला जो मेन है कि पूर्वी घाट का विस्तार पश्चिमी घाट की तरह सतह निरंतर क्यों नहीं है। अब वो कह रहा है कि पूर्वी घाट क्योंकि वहां पर कई नदियां हैं, उनके कटाव से, अनियमित कटाव से उनका क्या है, सतत निरंतर क्यों नहीं है। तो वो इनके कटाव जैसे ये है, ये जो नदियां यहाँ गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में, तो ये यहाँ की जो वो पठार है उनको ये काट देते हैं, तो उनकी ज्यादा नहीं आई। और यहाँ साइड की जो ये नदियां हैं जो यहाँ गिरती हैं उनका वो कम काटते हैं, जैसे कृष्णा, गोदावरी, तापी, ये जो यहाँ गिरते हैं नर्मदा, तो वो उनको नहीं कम काटते हैं, तो इनकी हाइट ज्यादा है इस साइड के जो पठार है, और इनकी हाइट कम है। तो ये यही बताया क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बहने वाली गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के कटाव से ये अनियमित हो जाता है, और यहाँ नदियाँ डेल्टा बनाते हैं जिसके कारण वहाँ निरंतर निरंतर नहीं है, चलो तो वो नहीं है। अब है कि प्रायद्वीपीय पठार हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों, और अब यहाँ क्या है, यहाँ मिनरल्स बहुत हैं, जैसे अब वही है लिखे आंसर में, क्योंकि पठार हमारे लिए महत्वपूर्ण क्योंकि खनिज संसाधन जैसे लोहा, कोयला, वॉक्साइट आदि यहाँ समृद्ध मात्रा में होते हैं, जिनका उपयोग अनेक उद्योगों के लिए किया जाता है। तो ये था। अब ये है हिमालय, ये आपको बताइए यहाँ से जो नदियाँ निकलनी है, ये सारा पार्ट है हमारा, ये हिमालय लैंड है, भौगोलिक संरचना है भारत की, तो ये सारा हमारा हिमालय का इलाका है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैं बता रहा था 2400 किलोमीटर का एरिया है। और ये था बच्चों आपका जो एक सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट नंबर 14, 7 तारीख की। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन भी दबाइए, ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिले। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अपनी तरफ से कमेंट्स लिखना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स लिख सकते हैं।